स्टूडेंट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए फ्रेंड, आज आपके लिए हम एक नोटिस के बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपका है एडमिशन के बारे में। तो अभी आपका एडमिशन चल रहा है 21-23 सेशन का बीएड का वेस्ट बंगाल में, जो कि आपका शुरू होने वाला ये एडमिशन 24 तारीख से। देखिए यहाँ पर सारा आपको डिटेल लिखा हुआ है। देखिए द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपका वेस्ट बंगाल का कॉलेज है, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंडर में ये आते हैं। तो देखिए इनका जो है अभी ये चालू हो गया है एडमिशन, इसका आपका 21-23 सेशन का। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ये बीएड प्रोग्राम, ये देखिए बीएड प्रोग्राम 21-23 सेशन का एडमिशन शेड्यूल चालू हो चुका है। तो अभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 4 बजे तक ही आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम में नहीं होगा आपका। तो ये देखिए आपका स्टार्टिंग डेट लिखा हुआ, देखिए ऑनलाइन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन 24/9/2021 फ्राइडे 4 PM से आपका चालू होगा ये। तो इसमें देखिए ये आपका चार बजे से चालू हो जाएगा आपका ऑनलाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पे है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन करने का आपका लास्ट डेट है 27/9/2021 तक, मंडे तक 4 PM तक, यानी कि 4 PM तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं मंडे तक। आपका बीएड का अगर आप चाहते हैं एडमिशन कराना 21-23 सेशन में, तो आपका ये ऑनलाइन कराने का डेट है लास्ट 27 तक। उसके बाद देखिए लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी भी आप पेड कर सकते हैं 27 तारीख तक ही, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फ़ी पेड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए और नीचे है जो नोटिस है, ये कॉलेज के लिए है पब्लिक। देखिए यहाँ है पब्लिकेशन ऑफ कॉलेज सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट, ये आपका 29 तारीख को निकलेगा मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो वो कॉलेज में आप जाके एडमिशन करा सकते हैं। अभी आपको ऑनलाइन करने का डेट दिया है, ऑनलाइन आप कर दीजिए, अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, उसके बाद वेट कीजिए 29 तारीख का। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल में कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, वो कॉलेज का नाम आपको उस दिन को मिलेगा 29 तारीख को। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन कराना होगा अपना, अगर आप बीएड करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल से, तो आपको 24 तारीख से शुरू होगा ये ऑनलाइन आपका डेट, और 24 के बाद आपका 27 तारीख तक ये चलेगा, और 27/9 को आपका लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फ़ी का, और 29 तारीख को ये पब्लिश करेगा, आपका मेरिट लिस्ट निकालेगा। मेरिट लिस्ट के अनुसार अगर आप मेरिट में आते हैं तो कौन सा कॉलेज आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे डिसाइड होगा 29 तारीख को। तो आप चाहे तो देखिए यहाँ से एडमिशन कर सकते हैं। ये है आपका वेस्ट बंगाल का बीएड कॉलेज। तो देखिए इसका सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेलीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता में, ये आपका वेस्ट बंगाल का इसका हेड ऑफिस है, ये बीएड का जो कॉलेज है इसका हेड ऑफिस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए एक ये आपका नोटिस था, और एक नोटिस के बारे में अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। वो नोटिस क्या है चलिए देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे और एक नोटिस है आपका, जो कि है ये बीएड कॉलेज के रिलेटेड ही है, जो कि आप जानते ही होंगे बीएड का कॉलेज अभी 3 कॉलेज था, रंगामाठी शिक्षण आश्रम, गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन और अग्निवीना स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये बीएड का 3 कॉलेज था, जो कि आपका मिलेगा नलहाटी में आपका बीरभूम जिला में। तो वो जो 3 कॉलेज थे, वो तीनों कॉलेज अभी देखिए ये आ गए हैं आपका वर्धमान यूनिवर्सिटी को छोड़ के, अभी WBUTTEPA यानी कि वेस्ट बंगाल का जो बीएड कॉलेज है, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंडर में ये आ गए हैं। अब से जो भी एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में, जो कि गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज, देखिए यहाँ लिखा है गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज का जितने भी कॉलेज है उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं अभी 21-23 सेशन के अंदर, तो आप आ जाइएगा ये वर्धमान यूनिवर्सिटी को छोड़ के WBUTTEPA, यानी कि ये आपका वेस्ट बंगाल का टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का अंडर में आप आ जाइएगा अभी जो 21-23 में अगर आप एडमिशन लेते हैं। तो ये नोटिस जारी किया है गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से, ये आपका नोटिस आया है उनके तरफ से। तो देखिए इसमें आपका कांटेक्ट करने के लिए नंबर भी दिया है रंगामाठी शिक्षण आश्रम का कॉलेज का, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं कि क्या सर आपका कॉलेज का जो अभी वर्धमान सिटी के अंडर में आपका कॉलेज आता था वो अभी WBUTTEPA के अंडर में चला गया है, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए ये अभी नोटिस जारी हुआ है गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से, इनका भी जितना भी कॉलेज था वो अभी आ गए हैं WBUTTEPA के अंडर में, यानी कि आप अब वर्धमान यूनिवर्सिटी के अंडर में बीएड होता था उनका कॉलेज में, गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज के जितने भी कॉलेज थे उसके अंडर में थे वर्धमान यूनिवर्सिटी के अंडर में, अभी वो चले गए हैं वेस्ट बंगाल के जो कॉलेज हैं, वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है वेस्ट बंगाल का बोर्ड के अंडर चले गए हैं।
तो यही नोटिस है उनका कॉलेज के तरफ से। अगर आप उन कॉलेज से है तो आप आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप जो है बीएड कर रहे हैं तो आपको सारा जानकारी रखना ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोग को ये बताना चाहिए कि आप जो है अभी बर्धमान यूनिवर्सिटी के अंडर से हट के 21-23 सेशन में अगर एडमिशन लीजिएगा गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज के कोई भी कॉलेज में, तो आप चले जाइएगा वेस्ट बंगाल का यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो यही था अभी आपके लिए नोटिस। तो देखिए ये दो नोटिस था अभी आपका एग्ज़ाम रिलेटेड, तो ये दोनों हम लेके आए थे आपके लिए कि आपको कुछ जानकारी मिल जाए इस रिलेटेड। और देखिए फ्रेंड, अगर अभी आप एक 20-22 सेशन में हैं, बीएड कर रहे हैं बर्धमान यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो देखिए अभी जितने भी कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, कोई भी कॉलेज में अभी देखिए एडमिशन, अभी देखिए एग्ज़ाम नहीं हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का 20-22 सेशन का, तो उन लोग का एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिलअप उन लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन का डेट 26 तक है, 26/9/2021 तक। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो टाइम दिया जाएगा कुछ दिन, उसके बाद आपका हो सकता है एग्ज़ाम जो है आपका दुर्गा पूजा के पहले हो जाए या फिर दुर्गा पूजा के बाद हो, आप मान के चलिए दुर्गा पूजा के आगे पीछे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि बहुत ही डिले हो चुका है कोरोना के चलते आप लोग का एग्ज़ाम। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया से कीजिए और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, अभी जो ये नोटिस था आपको बता दिए। और देखिए फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ देखिएगा आपको बीएड रिलेटेड सारे असाइनमेंट प्रैक्टिकम सॉल्व प्रीवियस ईयर का मिलेगा। तो आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ जाके देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में, कोई भी सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकम असाइनमेंट सॉल्व चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आपको जो भी असाइनमेंट एक सब्जेक्ट का 6-7 असाइनमेंट का वीडियो आपको मिलेगा, उसमें से जो टॉपिक में आप चाहते हैं अपना प्रैक्टिकम असाइनमेंट बनाना आप जाके देख के बना सकते हैं वहाँ से। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिए, आपको जो अच्छा लगेगा वहाँ से आप देख के उसको बना लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।